आप एक लड़की हो, वेदर यू आर ए स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट, हाउस वाइफ, इवन यू आर अनपढ़, यू डोंट नो इवन ए बी सी डी, अगर आपको ए बी सी डी भी नहीं पता है तो ये सेक्शन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. यस, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर डेली लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट इट. इंट्रो. And just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight. It turned a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside when you. ओके, तो सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी डील करता है ईव टीजिंग के लिए, आई मीन वुमेन की मॉडेस्टी के लिए, उसकी मान मर्यादा के लिए. गॉट इट? उसकी मान मर्यादा के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए. सपोज कोई उसकी रिस्पेक्ट को गिराता है तब ये सेक्शन अप्लाई होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज कोई लेडीज है, वो पब्लिक प्लेस में जाके खड़ी है, पब्लिक प्लेस में खड़ी है, सपोज बस स्टैंड पे खड़ी है. कोई पर्सन क्या करता है, उसके पास जाता है, आई मीन उसे कुछ दूर खड़ा होता है और उसे कुछ इशारे करता है, कुछ गेस्चर करता है, कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे उस लेडीज़ की जो रिस्पेक्ट है वो गिर जाती है, आई मीन उसकी इंसल्ट होती है, उसकी मॉडेस्टी गिर जाती है. तो ऐसे में सेक्शन 509 अप्लाई हो जाता है. तो वो कुछ भी बोल सकता है, जैसे कि ऐसी कुछ भी ऐसी बातें जिससे कि उस लड़की की, उस लेडीज़ की डिसरिस्पेक्ट हो. जैसे कि कोई भी कहे कि तेरा उससे अफेयर था, या कोई ऐसी बातें कि तूने उसके साथ ये किया था, तूने उसके साथ ये किया था, ब्ला ब्ला ब्ला. यू आर गेटिंग माई पॉइंट बट आई एम गोइंग टू से. गॉट इट? तो ऐसे में क्या होता है, सेक्शन 509 अप्लाई हो जाता है. यानी कि ये क्राइम है, इसमें क्या होता है, 1 साल से लेके 3 साल तक सजा हो सकती है. जनरली डिपेंड करता है कि उस पर्सन ने उस लेडीज़ को कितना हरासमेंट किया, और फाइन भी है. यानी अगर प्रूफ हो जाता है कि इसने इसके साथ ऐसा किया है तो उनको फाइन भी होता है. सो गॉट इट? एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि ये तो हो गई जनरल बातें. अब हम बात करेंगे कि सपोज आपके साथ कोई ईव टीजिंग कर रहा हो, यानी कि आपको कोई ऐसे परेशान कर रहा हो, कोई आपको ऐसे इन सिचुएशंस में आप सफ़र कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए? सो द फर्स्ट थिंग यही है कि आपको पुलिस 100 नंबर पर कॉल करना चाहिए, इमिडिएटली एक्शन के लिए 100 नंबर पर कॉल करना चाहिए. सो द नेक्स्ट थिंग इज आप कुछ विटनेस इकट्ठे करके, यानी कि आप कुछ अपने गवाह इकट्ठे करके FIR लिखा सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो. एंड द थर्ड थिंग इज आप पब्लिक में क्राउड इकट्ठा कर सकते हो अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए, यानी कि उस पर्सन से बचने के लिए आप क्राउड इकट्ठा कर सकते हो. सो दैट्स बीन क्लियर, दैट्स बीन फाइनल. सो मोरल ऑफ द वीडियो यही है कि अगर आप एक गर्ल हो, सो बी अवेयर फ्रॉम ईव टीजिंग. अगर आपके साथ होती भी है तो आप इमिडिएटली एक्शन लीजिए. सो आई होप यू विल नॉट फियर फ्रॉम सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंड यू विल टेक एक्शन. गॉट इट? सो आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज. मीनवाइल यू डोंट फॉरगेट टू स्टे स्टाइलिश एंड स्टे अवेयर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.